देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है सिद्ध करने वाला, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब सिद्ध करना है। तो मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। अब सूत्र होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इस हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स है, तो इसलिए साइन थीटा की जगह पर एक्स रख दिए। इसी तरह साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स का क्यू हो गया, और इधर साइन थीटा का साइन थीटा हो गया। अब यहाँ 3 थीटा केवल रखते हैं तो साइन इस पर आएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो जाएगा। अब 3 का 3 रह गया, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इस प्रकार से यह जो है प्रूव हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स है एक्स बराबर कॉस इनवर्स है 4x क्यू माइनस 3x है, ये जो है प्रूव करना है। इसमें भी उसी तरह सेम टू सेम प्रक्रिया कर रहे हैं। मान लिया कॉस इनवर्स है एक्स बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस 3 थीटा बराबर सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कॉस 3 थीटा और 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस 3 थीटा बराबर 4x क्यू माइनस 3x हो गया। इस तरह से या यहाँ से कॉस इस पर लाए तो कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हो गया, और यहाँ 3 का 3 रह गया, और थीटा के बदला में यहाँ देख रहे हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x हो गया, और ये जितना आना चाहिए उतना ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो गया प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करना है टेन इनवर्स है 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। LHS हो गया टेन इनवर्स है 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 जो प्रश्न है उसको यहाँ पर नोट कर दिया गया। अब इसके लिए सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1-xy। तो इस सूत्र के मुताबिक ये हो गया 2/11 प्लस है 7/24 और 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24 हो गया। अभी बट्टा का जोड़ है, ये बट्टा के भिन्न का जोड़ हुआ, तो इसको भिन्न का जोड़ हम लोग जोड़े तो 24 दुना के 48 हो गया, 1177 और 24/11 का एलसीएम हो गया 264। इसी प्रकार 11 और 24 को गुना किया तो आ गया 264 और 7 दुना के 14/264 कट गया। 4877 जोड़े तो 125 और 264 में 14 घटाया तो 250 अभी कट गया, तो 1/2। और यही चीज़ जो हम लोग को सिद्ध करना था टेन इनवर्स 1/2, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर चौथा सवाल सिद्ध करना है 2 tan inverse है 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, इसको सिद्ध करना है टेन इनवर्स 31/17। तो प्रश्न का LHS हो गया 2 tan inverse 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। 2 tan inverse 1/2 इसके लिए सूत्र होता है 2 tan inverse x इक्वल टू होता है 2x/1-x2। ये सूत्र होता है टेन इनवर्स 2x/1-x2। तो इस हिसाब से इसके लिए हम लोगों ने इतना लिख दिया टेन इनवर्स है 2 × 1/2 1-1/2 के होल स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7 लिख दिया। अब इसका प्रक्रिया किया तो 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, 1-1/2 के होल स्क्वायर है तो 1/2 का तो 1/4 हो गया। अब इसका प्रक्रिया कर दिए 1/1-1/4 तो 1/4-1/4 से 4/3, तो इसका वैल्यू हो गया 4/3। इधर से है टेन इनवर्स 1/7 तो वैसे ही चल रहा है। अब इसके बाद जो है पहले वाला जो सूत्र बना था इसके पहले 3 नंबर क्वेश्चन उसके हिसाब से इसको बनाए, तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना है 31/17 और आर एच एस यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है।